So our chapter is polynomials. If you remember, तुम्हें ये same chapter class 9th में भी था. तुम इस chapter को class 9th के polynomials का continuation समझ सकते हो. This is the continuation of class 9th chapter 2 polynomials. So उसमें जो तुमने techniques use की थी, identities, factorization की techniques, वो सब यहाँ भी कहीं ना कहीं applicable होगी. Not so much, but yes, you should have the basic knowledge regarding the basic concepts of polynomials. ठीक है, तो थोड़ा recap मैं तुमसे करवाऊँगा शुरुआत में, and then we will go ahead. छोटा chapter है, 2 से 3 lecture में पूरा complete हो जाएगा. सबसे पहले पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं. पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन होता है. पॉलिनोमियल इज सच एन एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल का पावर 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है. दैट मीन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है. तो जब भी वेरिएबल का पावर होल नंबर होता है ऐसे एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. तो वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. वेरिएबल का पावर सिर्फ होल नंबर हो सकता है. ऐसे एल्जिब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. सो पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे. पहली चीज तो पॉलिनोमियल को डिनोट करने के लिए उसको एक नाम दिया जाता है. ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो पी ऑफ एक्स. अब पी ऑफ एक्स, पी ऑफ वाई, पी ऑफ जेड, ऐसे तुम पॉलिनोमियल्स को नाम दे सकते हो जिसमें ये जो एक्स है दैट इज द वेरिएबल इन विच द पॉलिनोमियल इज रिटर्न. मतलब ये पॉलिनोमियल एक्स का है, मतलब एक्स में ये पॉलिनोमियल लिखा गया है, ये पॉलिनोमियल वाई में लिखा गया है, ये पॉलिनोमियल जेड में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे वाई है, यहाँ पे जेड है. तो पॉलिनोमियल को तुम p ऑफ x नाम दे सकते हो. p ऑफ x की जगह पे तुम g ऑफ x, h ऑफ x, q ऑफ x, ठीक है, ये सारे नाम दे सकते हो. तो पॉलिनोमियल को नाम देना जरूरी है. इस चैप्टर में हम लोग ये फॉर्मेलिटी करने वाले हैं. तो ये एक पॉलिनोमियल है. दिस इज अ पॉलिनोमियल. व्हाई इज दिस अ पॉलिनोमियल? बिकॉज यहां पे जो वेरिएबल है x उसका पावर 1 है. यहाँ पे 3 टर्म है पॉलिनोमियल में. देखो ये बाइनोमियल था, यहाँ पे 2 टर्म थी, एक ये टर्म और एक ये टर्म. दोनों में x का पावर मैं बता सकता हूँ तुमको, 5x में x का पावर 1 है, 3 में x है ही नहीं, मतलब x का पावर 0 है. दोनों में x का पावर होल नंबर ही है, मतलब ये पॉलिनोमियल है. इसमें y का पावर 2 है, y का पावर 1 है, y का पावर 0 है. यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल. z का पावर 3 है, z का पावर 2 है, z का पावर 1 है, z का पावर 0 है, मतलब यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल. मतलब ये 1, 2 और 3 ये तीनों एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल के. बट इफ यू नोट दिस वन, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. एंड द ओनली रीजन व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इज दिस टर्म जिसमें x रूट के अंदर है. मतलब x का पावर कितना हुआ कौन बताएगा? व्हाट इज द पावर ऑफ x ओवर हियर? 1/2. एक्स का पावर है 1/2. अब यहां पे पूरी की पूरी टर्म डिनोमिनेटर में, ठीक है, इसलिए सारे एक्स का जो पावर होगा वो शायद नेगेटिव हो सकता है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. और यहां पे अगर तुम देखोगे तो ये मिडल वाली टर्म में एक्स डिनोमिनेटर में, तो एक्स का पावर कितना हुआ? -1, राइट? और -1 है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है. एक्स का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर. होल नंबर मतलब 0 या फिर कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है, सो पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है ये पहले तुम्हें पता होना चाहिए. दिस इज फ्रॉम लास्ट ईयर. डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की हर टर्म में तुम एक्स का पावर निकाल सकते हो और वो सबसे हाईएस्ट पावर जो रहेगा वो होगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल. तो ये वाला जो पॉलिनोमियल है इट हैज अ डिग्री 1. जिसकी भी डिग्री 1 होती है, याद रखना, डिग्री डिग्री 1 है
तो इसका नाम है लीनियर, इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हाईएस्ट डिग्री देखो कितनी है, हाईएस्ट डिग्री इसकी है 2, मतलब डिग्री 2 है। हाईएस्ट डिग्री जब 2 होती है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कौन से टर्म में है, फर्स्ट टर्म में, कितनी है 3, तो हाईएस्ट डिग्री जब 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर कभी कभी हाईएस्ट डिग्री 4 भी होती है उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद आता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है उसको कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 3/2, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू -3/2। इसमें एक्स वाई जेड तो है ही नहीं, सिर्फ एक नंबर है, मतलब ये है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, और कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ठीक है, डिग्री 0 इसका मतलब है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो, उसमें और कोई टर्म ही नहीं है। सो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म है इसको याद रखना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर तुम लेक्चर देखते देखते थोड़ा नोट्स भी कर लो, नोट्स भी ले लो तो ज़्यादा सही रहेगा। इफ़ यू टेक नोट्स वाइल वॉचिंग द लेक्चर इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए और बी दोनों रियल नंबर हैं और ए 0 नहीं है। वैसे मैं ये पूरे लेसन प्लान का पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में शेयर कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है, मैंने अभी बोला था, उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें सबकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री, ये सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी और सी ये रियल नंबर्स होते हैं और ए 0 नहीं होता। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो सकता है। हु कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमियल? वन टर्म, अ पॉलिनोमियल विद अ सिंगल टर्म इज मोनोमियल। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ विच इज अ मोनोमियल, एक्स स्क्वेयर, दिस इज क्वाड्रेटिक बट मोनोमियल। ठीक है, देन व्हाट इज अ बाइनोमियल? अ पॉलिनोमियल विथ टू टर्म इज नोन एज बाइनोमियल, बाइनोमियल हैज गॉट टू टर्म्स। अच्छा, मुझे एक ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल दो जो एक बाइनोमियल है। तो एग्जाम्पल है एक्स स्क्वेयर माइनस 9, ये बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक भी है, क्वाड्रेटिक बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म्स। ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 6, सो दिस इज अ ट्राइनोमियल बट इट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक बिकॉज हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। जनरली क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। राइट, मूविंग अहेड, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मोनोमियल बाइनोमियल या ट्राइनोमियल हो सकता है। ये एक मोनोमियल क्वाड्रेटिक है, ये एक बाइनोमियल क्वाड्रेटिक है और ये एक ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, हाईएस्ट डिग्री देखो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ये सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनका जो जनरल फॉर्म है वो है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। फिर
फिर आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है 4। ये देखो ये सारे एग्जाम्पल्स है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, हाईएस्ट डिग्री 4 है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स रेज टू 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मूविंग अहेड, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म बिकॉज इस चैप्टर में ये वाली टर्म बार बार यूज होगी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरो के दूसरे भी नाम है, जीरो और रूट और सल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये जीरो होता क्या है? What is zero of a polynomial? What is root? What is solution of a polynomial? Let me explain you with an example. Zero or root or, please note it down, or solution of a polynomial. Suppose तुम्हारा एक polynomial है, f of x is equal to 3x-4, f of x is equal to 3x-4. मुझे ढूंढना है इसका जीरो। सो वॉट इज जीरो? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x विच वेन सब्स्टिट्यूटेड इन द गिवन पॉलिनोमियल द आंसर कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, कैसे ढूंढते हैं, हाउ टू फाइंड जीरो? वेरी सिंपल, f of x की जगह जीरो ले लो और इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर दो। अब x की वैल्यू ढूंढ लो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन से, 4 को वो साइड ले लो, 4 इज इक्वल टू 3x, सो 4 बाई 3 इज इक्वल टू x। x की क्या वैल्यू आ गई तुम्हारे पास? 4 बाई 3। नाउ दिस 4 बाई 3 इज नथिंग बट इट इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x। f ऑफ x पॉलिनोमियल का जीरो है 4/3। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू 4/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। जीरो या फिर रूट या फिर सोल्यूशन। अब देखो मैं क्या बोल रहा था जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में, मैं तुम्हें यह बताता हूं। मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये एक्स की वैल्यू मैंने हमारे गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट की, जहां पे एक्स है वहां पे, तो मुझे आंसर जीरो ही मिलेगा। मैं तुम्हें करके बताता हूं। तो हमारा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-4, जहाँ पे x है मैं डाल देता हूँ 4/3-4। ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा और 4-4 बचेगा विच इज़ नथिंग बट 0। तो मैंने क्या किया, x की जगह पे जब मैंने 4/3 डाला तो मुझे आंसर क्या आया? 0। मतलब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज सच अ वैल्यू ऑफ x विच वेन सब्स्टिट्यूटेड in the given polynomial the answer comes out to be zero. So this is, you can say, zero or root or a solution of a polynomial. ठीक है, अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। तो ये टेबल बना लो, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल मैंने तुम्हें बताया था लीनियर। एक और चीज इसमें ऐड कर देंगे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स डिग्री एंड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, प्लीज सब लोग ये बना लो टेबल। पहले टाइप का पॉलिनोमियल मैंने तुम्हें बताया था लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 1 और उसके जीरो भी होते हैं 1। अभी हमने देखा ये लीनियर पॉलिनोमियल था, जब उसको सिंप्लीफाई करके मैंने उसका जीरो निकाला तो मुझे कितने जीरो मिले? एक सिंगल जीरो। ठीक है, ओनली 1 0। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1 होती है और मुझे 0 भी 1 मिलता है। वैसे ही
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, और नंबर ऑफ जीरोस पता है कितने होते हैं? हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव? 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस. थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, एंड हाउ मेनी जीरोस डज इट हैव? 3. सो देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड द नंबर ऑफ जीरोस इट हैज. आई एम गोइंग टू शो यू दिस थिंग विथ वन मोर एग्जाम्पल, एंड आई एम दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यस, एनीबडी वॉन्ट्स टू आस्क समथिंग? किसी को भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, प्लीज पूछो. बीच में कभी भी पूछ सकते. ठीक है, सो आई एम श्योर दैट यू आर गेटिंग सम आइडिया अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्लियरर आइडिया बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. लेट मी टेक एग्जाम्पल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एफ ऑफ एक्स is equal to x square plus 5x plus 6. अब मुझे ढूंढने इसके zeros. ठीक है, इसके zero ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको zero से equate कर दूंगा. So x square plus 5x plus 6 is equal to 0. अब इसको solve करने के लिए, because it's a quadratic equation, कोई भी quadratic equation को solve करने के लिए हमने 9th standard में polynomials chapter में पढ़ा हुआ है, हम लोग एक method use करते हैं, splitting the middle term. Splitting the middle term. ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म स्क्वेयर, यस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ट्राइनोमियल, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को यूज कर फैक्टराइज करने के लिए. तो यहाँ पे 6 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर 1, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे मिलेगा 6. 6 के दो फैक्टर निकालने हैं मुझे, 2 3 6. ठीक है, ये प्लस 2 और ये प्लस 3 का प्रोडक्ट प्लस 6 होता है, और प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करके प्लस 5 आता है. ठीक है, सो आई विल राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको ग्रुपिंग करके कॉमन निकालूंगा, x ब्रैकेट x प्लस 2 प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, तो x प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, दो नंबर को मल्टीप्लाई करके अगर मुझे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों में से कोई एक 0 होना चाहिए. तो या तो x प्लस 2 0 है या तो x प्लस 3 0 है. x प्लस 2 0 है मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2. x प्लस 3 0 है मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 3. सो x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3. और ये क्या है, वॉट आर दीज? दीज आर द रूट्स और द जीरोज, जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 2. सो ये दो क्या है, दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. कितने 0 मिले मुझे, 2. और डिग्री कितनी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, 2. ये वेरीफाई हो जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने 0 होते हैं, 2. तो क्यूबिक के पास कितने 0 होंगे, 3. लीनियर के पास कितने 0 होते हैं, 1. ठीक है, सो दिस इज समथिंग मोर अबाउट जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. यस, या कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? वेट, आई गॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एंड माइनस 3. या सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, दैट मीन्स दीज आर द टू सोल्यूशंस और रूट्स और द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. दिस इज माई पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, इसको जब जीरो से इक्वेट करके सॉल्व किया मैंने, दैट्स व्हाट आई डिड ना, लीनियर में भी तो वही किया था मैंने. मेरे पॉलिनोमियल को मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया था और सॉल्व किया, तो मुझे सीधा एक्स की वैल्यू मिल गई. लेकिन कितनी वैल्यू मिली, 1. यहां पे जब मैंने जीरो से इक्वेट किया और उसको सॉल्व किया, तो मुझे जो वैल्यू मिली वो है 2 वैल्यूज.
सो दैट मीन्स दीज आर द टू जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, वन इज दिस एंड वन इज दिस. सो दैट मीन्स द गिवन पॉलिनोमियल हैज टू जीरोज और टू सॉल्यूशंस. इन दोनों को अगर मैं हमारे गिवन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा, चलो मैं तुम्हें सब्स्टिट्यूट करके भी दिखाता हूं. सपोज मेरा पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. इसमें x की जगह पे मैं माइनस 2 डालता हूँ. माइनस 2 क्यों? क्योंकि दैट्स वन ऑफ द जीरो. ठीक है, सो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6. माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू माइनस 2 इज माइनस 10 प्लस 6. 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6, आंसर कितना आया? 0. सो दैट प्रूव्स कि माइनस 2 इज वन ऑफ द जीरो, इज वन ऑफ द जीरो. ठीक है, एंड एफ ऑफ माइनस 3 कितना होगा? अगर मैं एक्स की जगह माइनस 3 डालता हूं तो माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 6. माइनस 3 स्क्वायर 9, माइनस 15 प्लस 6. 9 माइनस 15 माइनस 6 प्लस 6 विच इज 0. और मैंने एक्स की जगह माइनस 3 डाला, फिर से मुझे आंसर 0 आया. सो दिस इज वन मोर 0. सो इट इज प्रूव्ड दैट दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज गॉट टू जीरोस. ये दोनों जीरोस को अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 0. दैट इज प्रूव्ड दैट दीज टू आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. नाउ यू अंडरस्टैंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस आर नथिंग बट द आंसर्स और द सॉल्यूशंस और द रूट्स और द वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल. सो हाउ मेनी जीरोस डज अ पॉलिनोमियल हैव? दिस टेबल विल टेल यू. If the polynomial is linear, it will have one zero. If the polynomial is quadratic, it will have two zeros. If the polynomial is cubic, it will have three zeros. Right? Okay. This is about the value of the polynomial. Value of the polynomial bhi bahut easy hai. Agar mere polynomial, jo polynomial hai mera wo hai x square minus 3x plus 5. Yahan pe अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 1. तो मैंने जहां जहां x है वहां पे मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया और मैंने सॉल्व किया तो आई एम गेटिंग 3. द वैल्यू ऑफ माई पॉलिनोमियल इज 3 व्हेन x इज इक्वल टू 1. जब x की जगह मैंने माइनस 2 डाला, सी आई एम रैंडमली पुटिंग द नंबर्स इन प्लेस ऑफ x. दीज आर नॉट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. आई एम जस्ट फाइंडिंग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. So this also is sometimes helpful, okay? You will come to know. Maybe you can, they can ask you such questions. और ऐसे questions थे भी तुम्हें 9th में. तो x की जगह मैंने माइनस 2 डाला और सॉल्व किया तो मुझे मिला 15. x की जगह मैं जब 1 by 2 डालता हूँ सेम पॉलिनोमियल में, मुझे मिलता है 15 by 4. So these are known as values of the given polynomial. I'm just starting, like, ये सब ना क्या है पता है? वार्म अप है. वार्म अप. व्हाट रियल काइंड ऑफ क्वेश्चंस और व्हाट रियल टॉपिक्स आर देयर इन दिस चैप्टर यू विल कम टू नो वेरी सून. दीज आर नॉट द एग्जैक्ट थिंग विच यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. यू विल स्टडी द रियल थिंग वेरी सून, अभी बता रहा हूँ. बट ये सारी बेसिक चीज़ें अगर मैं डिस्कस नहीं करूँगा और सीधा मैं पॉइंट पे चला जाऊँगा तो यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. सो प्लीज होल्ड ऑन. ओके, नेक्स्ट हमने अभी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा. इसका मैं तुम्हें एक ज्योमेट्रिक मीनिंग समझाना चाहता हूं. व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली बाय जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल? लेट मी टेक एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट. सपोज मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है. वो लीनियर पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब इसका जीरो क्या है वो तो मुझे पता है. आई कैन फाइंड इट नाउ. एफ ऑफ एक्स की जगह जीरो रख दिया और इसको 2x प्लस 3 के साथ इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू आई माइनस 3 बाई 2. सो माइनस 3 बाई 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. माइनस 3 बाई 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, अब ग्राफिकली मैं इसको कैसे समझ सकता हूं? सो व्हाट आई डिड वाज आई प्लॉटेड द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन. कैसे? मैंने एक ट्रुथ टेबल बनाया
और x की जगह पे मैंने ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की, और इसको सॉल्व करके मुझे y की रिस्पेक्टिव थ्री वैल्यूज मिल गई। ये सेम चीज़ तुम लोग 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर में और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाम के चैप्टर में करते थे, सेम थिंग आई डिड, ठीक है। एंड देन आई प्लॉटेड द ग्राफ, द ग्राफ लुक्ड समथिंग लाइक दिस। ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ में जस्ट टेल मी नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन विच यू विल आंसर मी, क्वेश्चन नंबर वन, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस, इन हाउ मेनी पॉइंट्स डज द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 1, इट इंटरसेक्ट्स इन ओनली वन पॉइंट, एंड विच इज दैट पॉइंट, व्हाट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। So if you see the x coordinate of that point, it is minus 3 by 2. You see that? मैंने पहले क्या बताया था कि ये जो हमारा polynomial है उसका 0 का value क्या है? Minus 3 by 2. मतलब मैं 0 graphically भी ढूंढ सकता हूँ और कितने 0 है ये भी मुझे पता चल जाएगा graphically, क्योंकि ये जो line है, ये straight line हमारे equation की, हमारे polynomial की, वो x axis को सिर्फ एक point पे cut कर रही है। That means x की सिर्फ एक ही वैल्यू है, that means 0 सिर्फ एक ही है, that means there is only one zero, one value of x, and what is that value? That value of x, that value of 0 is the x coordinate of that point at which this line is cutting x axis, that is minus 3 by 2, ठीक है। So इससे प्रूव हो जाता है कि लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 होता है, ग्राफिकली भी हमने इसको चेक कर लिया। अब मैं तुम्हें और एक एग्जाम्पल दूंगा, एंड दिस एग्जाम्पल इज अबाउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होती है। कोई मुझे बता सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने 0 होते हैं? यस, इट हैज गॉट 2 जीरोस। नाउ इफ इट हैज गॉट 2 जीरोस, इफ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द ग्राफ और द कर्व ऑफ दिस पॉलिनोमियल शुड इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इन हाउ मेनी पॉइंट्स? इट शुड इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस इन टू पॉइंट्स। यहां पे एक जीरो था तो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, यहां पे दो जीरो है क्वाड्रेटिक के, हमें पता है उसकी डिग्री 2 है तो जीरो भी 2 ही होने वाले, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए और ये कर रहा है, एंड दीज टू पॉइंट्स आर दीज टू, ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी द वैल्यूज ऑफ द जीरोस? दो जीरो है ना, दोनों की वैल्यू बताओ मेरे को। माइनस वन एंड फोर, माइनस वन एंड फोर आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, माइनस वन एंड फोर आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब दो जीरोज होते हैं। ये दो जीरोज कौन से हैं ये भी हमें समझ में आ गया। अगर तुम्हें चाहिए तो ये दोनों जीरोज की वैल्यू को बारी बारी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो आंसर क्या आता है। अगर तुम चेक करोगे आंसर जीरो ही आएगा, मतलब ये प्रूव हो जाता है कि माइनस वन एंड फोर आर द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये प्रूव हो जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो होते हैं, ठीक है। लेट्स गो अहेड, देयर आर सम मोर थिंग्स बट आई एम जस्ट गेटिंग टू द पॉइंट। दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर। द फर्स्ट मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हियर, जिसके ऊपर तुम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, एंड द टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन। प्लीज नोट कर लो, इसको हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, relationship between zeros and the coefficients of a polynomial।
ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करना है। सबसे पहले लुक एट योर पॉलिनोमियल, दिस इज योर पॉलिनोमियल 2x² - 8x + 6। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, और यहां पे हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है। ये दोनों को, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म और हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंपेयर करके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? एक्सेलेंट। तो सबसे पहले यू हैव गॉट ऑल द कोएफिशिएंट्स, तुम्हें सारे कोएफिशिएंट्स मिल गए, ए बी और सी। तीन कोएफिशिएंट होते हैं, सी इसमें से कांस्टेंट टर्म होती है। ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x², बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो पहले तो मुझे कोएफिशिएंट्स मिल गए, अब लेट्स फाइंड द जीरोस। जीरोस ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से उसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे दिखाया है सब कुछ, ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिंपल है ये प्रोसेस। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। तो मैंने इसको स्प्लिट करके दो फैक्टर निकाल दिए। अब मैंने जब इसको जीरो से इक्वेट किया दो फैक्टर्स को, तो मुझे एक्स की दो वैल्यू मिली। एक्स की एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है 3। ये प्रोसेस मैंने पहले भी एक दूसरे एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया था, सेम चीज़ वो लोग ने किया है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करके जीरो से इक्वेट करके एक्स की दो वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू है 1 और 3। ये जो 1 और 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था तुम्हें, दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अब हमारे पास जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए नए टर्म्स है। द न्यू टर्म्स फॉर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो के लिए जो नए टर्म्स हैं, जो मैं यूज करने वाला हूँ, आगे हमेशा यूज करूंगा, और तुम्हें हर बुक में, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आरडी शर्मा हो, आरएस अग्रवाल हो, या मेरी वाली बुक है, कोई भी बुक में जीरोस को यही दो टर्म से पहचाना जाता है, अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अल्फा क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 है। बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू 3 है। अल्फा एंड बीटा हमें मिल चुके हैं। कैसे मिले हमको अल्फा एंड बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके, सॉल्व करके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो, आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज जीरोज, मतलब अल्फा एंड बीटा एंड द कोएफिशिएंट्स, दैट मींस ए बी एंड सी, इनके बीच में एक रिलेशनशिप मैं एस्टैब्लिश करने वाला हूं। सो व्हाट इज दैट रिलेशनशिप, दैट रिलेशनशिप आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। द रिलेशनशिप, द फर्स्ट रिलेशनशिप इज सम ऑफ जीरोज, लिख लेना इसको, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². ये पहला रिलेशनशिप है, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज माइनस ऑफ बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² ए है। तुम अगर भूल गए हो कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, यहां पे देखो, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी, और x² का कोएफिशिएंट क्या है, ए। तो फॉर्मूला है ये जो लिखा है, तुम बोलोगे सर ये आपको कैसे मिला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, यही मैं यूज कर रहा हूँ। दिस इज द फॉर्मूला, सम ऑफ द जीरो, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट, फर्स्ट रिलेशनशिप सम ऑफ द जीरोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². सेकेंड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू
कोएफिशिएंट, आई एम सॉरी अबाउट दैट, सेकेंड रिलेशनशिप इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये सेकेंड रिलेशनशिप है, ठीक है? इसको भी मैं एस्टैब्लिश करूंगा, प्रूव करूंगा। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा बीटा, अल्फा इनटू बीटा, ठीक है? इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है? सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ये सेकेंड रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ट्रू होती है, जिसको हमें वेरीफाई करना पड़ता है, एंड दैट इज द क्वेश्चन दे विल आस्क यू। टेक्स्ट बुक में, एग्जाम में, बोर्ड्स में यही क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। वेरीफाई द रिलेशनशिप, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हाउ डू यू डू दैट? मैंने यहाँ पे जीरो ढूंढ लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। अब मैं इसकी रिलेशनशिप वेरीफाई करूंगा, लेकिन रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए, आई होप यू हैव रिटन डाउन द फॉर्मूला। रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा पता है? एलएचएस और आरएचएस का यूज करूंगा। फर्स्ट रिलेशनशिप सम ऑफ द जीरोज वाली, तो एलएचएस में लिखूंगा, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा प्लस बीटा, एलएचएस में मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या मिला था मुझे? 1। बीटा क्या मिला था मुझे? 3। चेक कर लेते एक बार सही है कि नहीं। अल्फा 1 बीटा 3, बिल्कुल सही, ठीक है? तो ये कितना आया? 4। आरएचएस, आरएचएस क्या है? माइनस ऑफ बी बाय ए, ठीक है? माइनस ऑफ बी बाय ए, लेट सी व्हाट इज बी, व्हाट इज ए? ए सॉरी, बी इज माइनस 8 एंड ए इज 2। बी इज माइनस 8, सो माइनस ऑफ माइनस 8 बाय 2, दैट इज 8 बाय 2, दैट इज 4। देयरफॉर वेरीफाई, कौन सी रिलेशनशिप मैंने वेरीफाई की? ये वाली फर्स्ट रिलेशनशिप, दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय। सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं। सेकेंड रिलेशनशिप में एलएचएस क्या है? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मीन्स अल्फा टाइम्स बीटा, 1 टाइम्स 3 कितना होता है? 3। आरएचएस क्या है? आरएचएस इज इक्वल टू सी बाय ए, ठीक है? सी क्या है मेरे इक्वेशन में? मेरे इक्वेशन में सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 2, 6 बाय 2 कितना आया? 3। देयरफॉर वेरीफाइड, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो सेकेंड रिलेशनशिप भी मैंने क्या कर ली? वेरीफाई कर ली। दैट इज हाउ यू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स वन बाय वन। सो यू हैव टू वेरीफाई बोथ द रिलेशनशिप्स। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। आई एम गोइंग टू गिव यू 2 मिनट्स, एंड एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी क्वेश्चन प्लीज थ्रो एट मी, पूछो कुछ भी क्वेश्चन है तो। अभी तक याद रखो, अभी भी मैंने कोई सॉल्व एग्जाम्पल लिया नहीं है, सॉल्व एग्जाम्पल को मैंने हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें, बेसिक चीज है। दैट वॉट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दिस, जीरोज, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, दैट इज ऑल दिस चैप्टर इज अबाउट। वी आर फोकसिंग ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वी विल ऑल्सो गो टू क्यूबिक। ओके, आई होप एवरी वन हैज रिटन इट डाउन। लेट मी गो अहेड। रिलेशनशिप हमने लिख दिया, एस्टैब्लिश कर दिया, फॉर्मूला भी लिख दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम बाद में देखेंगे। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमने पहले ही लिखा है। एक और चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक और चीज़। सपोज तुम्हें जीरो दिए हैं, अल्फा और बीटा तुम्हें दिए हैं, और तुम्हें बोला है कि इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग द जीरोस। यू कैन डू दैट। सो उसके लिए तुम्हें ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू के टाइम्स, ये के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये एक नोट कर लो प्लीज, ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अगर अल्फा और बीटा दो जीरो तुम्हें दिए हैं तो यू कैन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यू कैन फाइंड द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग द टू जीरोस एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला द रिलेशनशिप व्हिच इज गिवन ओवर हियर। प्लीज नोट इट डाउन, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ इसका, आगे भी एक एग्जाम्पल आने वाला है, चलो अभी नोट कर लो, डायरेक्ट विल गो टू द फर्स्ट क्वेश्चन देन। देर आर नॉट मेनी क्वेश्चन, मे बी 5-6 क्वेश्चन इन दिस पार्ट, विल डू ऑल ऑफ देम। ठीक है, लिख लिया सबने, मैं इसकी PDF ये लेसन प्लान की तुमको भेजूंगा, तुम उसमें से भी अगर कुछ रह जाता है तो नोट कर सकते हो। ठीक है, लेट मी गो राउंड, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ मैंने थियोरी और बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए, अब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, ये मैं सॉल्व करूंगा, नेक्स्ट वाला तुम सॉल्व करोगे, चलो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। CBSE सैम्पल पेपर 2017 का क्वेश्चन है, मतलब CBSE बोर्ड वाले इतने चिंदी क्वेश्चन पूछते हैं, रियली मजाक नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक से एक एलीट लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बेसिक नहीं करेंगे, हम बेसिक मीडियोकर एलीट सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। स्टार्ट विद अ बेसिक क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड हाउ टू राइट, सबसे मेन है कि तुम्हें समझना है कि कैसे लिखना है क्वेश्चन, आंसर कैसे लिखना है। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा पता है, सबसे पहला स्टेप होगा कि हमारे पॉलिनोमियल को एक नाम दे देंगे हम, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x माइनस 3। सेकेंड स्टेप, इसमें से बिकॉज ये स्टैंडर्ड फॉर्म का लग रहा है मुझे, ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। कोई मुझे बता सकता है ए क्या है यहाँ पे, बी सी, वेरी गुड। अब मैं इसके जीरोस ढूंढूंगा, जीरो ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पी ऑफ एक्स की जगह मुझे जीरो लेना पड़ेगा और 2x² प्लस 5x माइनस 3 को जीरो से इक्वेट करना पड़ेगा। अब मैं करूंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए मैं x² के कोएफिशिएंट 2 को और कॉन्स्टेंट टर्म मतलब माइनस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पे 2 टाइम्स माइनस 3, आंसर आता है माइनस 6। माइनस 6 के मैं दो फैक्टर निकालूंगा और ये दो फैक्टर का सम या डिफरेंस 5 आना चाहिए, ठीक है, प्लस 5 आना चाहिए। ओके, तो प्लस 5 लाने के लिए मैं करूंगा 6 वन ज़ा 6, 6 वन ज़ा 6 में मुझे प्लस 5 कैसे आएगा, प्लस 6 माइनस 1, प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5 होता है और प्लस 6 टाइम्स माइनस 1 माइनस 6 होता है, मतलब दोनों चीजें फुलफिल हो रही है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है ये, 8 स्टैंडर्ड से कर रहे हो तुम लोग। सो 2x² प्लस 6x माइनस एक्स माइनस 3, तो 2x बाहर आ गया, x प्लस 3 अंदर रह जाएगा, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, x प्लस 3 अंदर रह जाएगा, x प्लस 3 2x माइनस 1, ये हो गया तुम्हारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, अब स्प्लिट तो हो गया, अब देखो एक चीज नोट करो,
यहाँ पे एक नंबर है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दूसरा नंबर है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जीरो है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, दैट मीन्स वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन विच वी आर ड्रॉइंग। सो हम क्या करेंगे, देयरफॉर लिखेंगे सीधा एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, और लिखना बहुत जरूरी है, टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। सो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और टू एक्स इज इक्वल टू वन। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू। सो आई गॉट टू वैल्यूज ऑफ एक्स। कोई मुझे बता सकता है दो वैल्यूज ऑफ एक्स का दूसरा नाम क्या है? अल्फा बीटा। यस, दीज आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल विच आर ऑल्सो नोन एज अल्फा एंड बीटा और द रूट्स और द सॉल्यूशंस। ठीक है, सो ये अल्फा हो गया माइनस थ्री एंड बीटा हो गया वन बाय टू। सी नाउ आई हैव गॉट टू इंपॉर्टेंट थिंग्स टू गो अहेड विद द वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप्स। वन इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, द सेकेंड इज द अल्फा एंड बीटा। बस अब क्या है, ग्रीन सिग्नल मिल गया, ए बी सी अल्फा बीटा दोनों हैं हमारे पास, लेट अस वेरीफाई द रिलेशनशिप। ठीक है, सो फर्स्ट सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू। ठीक है, मैंने डायरेक्टली एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, सम ऑफ द जीरो किससे इक्वल होना चाहिए, माइनस बी बाय ए से। माइनस बी कितना है, माइनस फाइव, बाय ए कितना है, टू। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए वेरीफाइड। हो गया वेरीफाई, ये एक रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ है अभी तक, जस्ट वन रिलेशनशिप। आई एम गोइंग टू वेरीफाई द सेकेंड रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा इज माइनस थ्री टाइम्स वन बाई टू, दैट इज माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, एंड अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाय ए। व्हाट इज सी, चलो देख लेते हैं, माइनस थ्री बाय टू। सी है माइनस थ्री, ए है टू। ठीक है, देयरफॉर अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए वेरीफाइड। बस That's it. Done. You are done. That is how you solve these kind of questions. Simple. Okay. सबने नोट कर लिया आई होप। मेन इसमें था, देखो डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, मेन था कि कैसे लिखना है इसको, हाउ टू नोट इट डाउन, हाउ टू राइट इट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जितने क्लैरिटी के साथ इसको लिखोगे तुम्हें उतने ही इजीली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इफ़ यू मेक इट हॉच पॉच, इफ यू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, तुम्हारे मार्क्स कटेंगे। सो आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन प्रॉपरली। सो व्हेन यू आर रेडी वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं, इस पूरे लेसन प्लान की पीडीएफ ग्रुप में शेयर करूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो आंसर सॉल्यूशन के साथ, प्रिंटेड सॉल्यूशन के साथ दिए हुए हैं। मतलब तुम खुद के रेफरेंस के लिए उसको रख सकते हो अपने पास। ठीक है, सो डोंट वरी के मेरा रह गया लिखा नहीं, ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड भी करके यूट्यूब पे डालता हूं, तुम बाद में भी देख सकते हो, कुछ भी रह गया नहीं समझ में आया तो। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। अच्छा, यहां पे तो बोला है फाइंड द जीरोस, मैं एक इसमें ऐड कर देता हूं, एंड
वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. ठीक है, सो लिसन, ये तुम्हें करना है. अब यहां पे मैं तुम्हें शुरुआत करके देता हूं. P ऑफ x तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या है, 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5. तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें इसको इसमें से पहले तो a क्या है, b क्या है और c क्या है वो निकाल लो. ये हो जाने के बाद इसको जीरो से इक्वेट करो, मतलब 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5, इसको जीरो से इक्वेट करो और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करके फैक्टराइज करके x की दो वैल्यू या फिर दो जीरोस ढूंढो, मतलब अल्फा एंड बीटा, अल्फा क्या है और बीटा क्या है वो ढूंढो. और फिर अल्फा बीटा एक बार मिल जाएगा और ए बी सी तो है ही तुम्हारे पास, उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो ये दोनों की. ठीक है, और इसके लिए तुम्हें मिलते हैं लेट्स से 5 मिनट्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, कम ऑन गाइस, टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड. कीप योर कैम ऑन एवरीवन, आई एम लुकिंग एट यू. अरुणिमा प्रिंस, नितेश, अथर्व, कृष्णा, प्रणव, कीप योर कैम ऑन. प्रणव, कृष्णा, प्रिंस, अरुणिमा, कीप योर कैम ऑन, कीप इट ऑन प्लीज. योर टाइम इज स्टार्टेड, सॉल्व इट. व्हाट्सएप मेरे को भेजो डायरेक्टली, पर्सनल व्हाट्सएप पे फोटो भेजो सीधा. कम ऑन गाइस,
यस यस प्लीज। यू हैव टू सेंड मी द पिक्चर, सेंड मी द पिक्चर एंड आई विल चेक इट। Sir, I have sent it to you. Okay, I'm checking. एक माइनस साइन की गलती लग रही है मुझे अर्पिता, वन ऑफ द जीरो में माइनस साइन की गलती लग रही है मुझे। बट सर माइनस साइन, अगर सर अगर माइनस साइन तो होएगा ही ना, क्योंकि 5x+2√5, तो 5x = -2√5 नहीं, एंड जस्ट एक्स। जस्ट जस्ट सी योर, व्हाट इज योर सी बाय ए? 8/5 है ना? यस, एंड व्हाट इज 8/√5? ओ या सॉरी, 8/5। एंड व्हाट इज योर अल्फा बीटा? माइनस 2/√5 एंड बीटा इज 4/√5। नो 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 नो, अल्फा बीटा आई एम आस्किंग, अल्फा टाइम्स बीटा। या देयर इज अ माइनस का डिफरेंस। Okay guys, time is up. You all have tried, I know that, but I'm going to show you the correct solution. Okay, ek to pehle zeros nikal ke dikhata hu aur dusra fir verification bhi main dikhata hu. Maine abhi solve kiya hi hua hai. Sir? Yes. So we are doing polynomials chapter, right? Yeah, we are doing polynomials. Okay, those who are sending me right now, no problem. Just check your answer with this. तो मैंने splitting the middle term किया है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ज़रा देख लो, कैसे splitting the middle term किया है मैंने। 5√5 और 8√5, ये coefficient of x square और constant term, इनको जब मैंने multiply किया, तो मुझे मिला 40 × 5, that is +200. और +200 के दो फैक्टर निकाले मिले मैंने, 20 × 10 = 200 एंड 20 + 10 = 30, दैट इज द मिडिल टर्म्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, 5√5 x² + 20x + 10x + 8√5। अब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि कैसे मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, 5√5 और 20 इसमें से कॉमन निकालने के लिए मैंने 5 को कॉमन निकाल लिया और x को कॉमन निकाल लिया। 5x जब बाहर निकला तो अंदर बचेगा √5x + 4। अब 10x और 8√5 इसमें क्या कॉमन है, तो 10 और 8√5 के फैक्टर्स देखो मैंने यहाँ लिखे हैं। 10 के फैक्टर है 2 × 5, 5 को फर्दर स्प्लिट करके √5 × √5 भी लिख सकता हूँ, और 8√5 के फैक्टर से 2 × 2 × 2 × √5। इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है 2 × √5, तो 2√5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √5x + 4। याद रखना है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, दिस इज फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस, दिस इज नॉट क्लास 10th का टॉपिक है ही नहीं है,
तो हो सकता है तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो बिकॉज तुम्हारा 9th का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है. सो ट्राई टू प्रैक्टिस मोर क्वेश्चन लाइक दीज. ठीक है, अब मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, रूट 5x+4 इंटू 5x+2√5. अब √5x+4 इज इक्वल टू 0 और 5x+2√5 इज इक्वल टू 0. सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4/√5, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2√5/5, -2√5/5. ठीक है, अब किसी को ये वैल्यू अलग भी आ सकती है. -2√5/5 में ये जो रूट फाइव और फाइव है इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ एंड आई कैन गेट -2/√5. तो एक्चुअली दो वैल्यूज बहुत लोगों को ये भी आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक वैल्यू है -4/√5, एक वैल्यू है -2/√5. ये है मेरे अल्फा और बीटा, दीज आर माई अल्फा एंड बीटा. ठीक है, एक है -4/√5, एक है -2/√5. राइट, लेट्स गो अहेड. अब मैं वेरीफाई करूंगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड माई पॉलिनोमियल्स. तो सिंपल है, ए बी सी क्या है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. दैट इज 5√5 इज ए, 30 इज बी एंड 8√5 इज सी. तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा. मैंने दोनों को यहां पे ऐड किया तो मुझे मिला -6/√5. और -b/a कितना होगा, -b/a इज -30/5√5. इसको सिंप्लीफाई करने से भी मुझे -6/√5 मिलता है. ये हो गया वेरीफाइड. और अल्फा बीटा कितना होता है, -4/√5 टाइम्स -2/√5, दैट इज 8/5. और c/5 कितना, c/a कितना होता है, 8/√5/5√5. तो ये हो जाता है 8/5. ये भी हो गया इक्वल, मतलब वेरीफाइड. सो दिस इज हाउ आई फैक्टराइज इट, फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स. ठीक है, सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2. लेट अस गो टू एग्जाम्पल नंबर 3. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसमें मैं कुछ फॉर्मूले यूज करूंगा जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इवैल्यूएट ईच ऑफ दीज फोर थिंग्स. अब देखो, मुझे एक चीज पता है कि मेरा जो पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, और इसके जीरोज है अल्फा और बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस ऑफ बी बाय ए, एंड अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू सी बाय ए. ठीक है, एंड आई हैव टू फाइंड नंबर 1 1/α + 1/β. ठीक है, 1/α + 1/β इज, अगर इसका मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करूं तो आई गेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. आई जस्ट टुक एलसीएम एंड सिंप्लीफाइड इट. अच्छा, न्यूमरेटर में देखो, आई एम गेटिंग अल्फा प्लस बीटा. आई ऑलरेडी नो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, इट इज माइनस ऑफ बी बाय ए. एंड डिनोमिनेटर में आई एम गेटिंग अल्फा बीटा. आई ऑलरेडी नो व्हाट इज अल्फा बीटा, इट इज सी बाय ए. ये ए ए कैंसिल हो गया और माइनस बी बाय ए मुझे मिल गया. सो दिस इज 1/α + 1/β. सेकेंड, सर इट शुड बी माइनस बी अपॉन सी. सॉरी सर, इट शुड बी माइनस, यस 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 यस, गॉट इट, माइनस बी बाय सी, यू आर राइट. सेकेंड, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर.
फॉर दिस थोड़ा सा ना एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे मुझे हेल्प लेना पड़ेगा. डू यू नो दिस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी द होल स्क्वायर? क्या होता है ए प्लस बी द होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए. यस. सो कैन आई से दैट ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यस ऑफ कोर्स. मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है मेरे पास. तो ये सिमिलर नोट पे कैन आई से दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा? ऑफ कोर्स आई कैन. सी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज दे आर एक्चुअली हेल्पफुल. अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाय ए द होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. टू इंटू अल्फा बीटा क्या है? सी बाय ए. सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए. अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम ए स्क्वायर है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाय ए स्क्वायर. दैट्स इट. बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाय ए स्क्वायर. दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. दिस इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. प्लीज नोट इट डाउन. ओके सबने इतना नोट किया. अभी थर्ड वाला देखो अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. एक हिंट दूंगा इसमें एंड देन आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व फर्दर. द थर्ड वन इज अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर. आई विल जस्ट आस्क यू व्हाट इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर. ए माइनस बी स्क्वायर क्या? ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर. ओके कूल. सो बेसिकली अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा. डू आई नो व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? यस. मैंने अभी तो उसकी वैल्यू निकाली थी. ये देखो दिस इज द वैल्यू. ठीक है तो मैं उसको यहाँ पे रख देता हूँ. दैट इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाई ए स्क्वायर माइनस व्हाट इज टू अल्फा बीटा. टू अल्फा बीटा इट इज ऑल्सो नोन टू मी. टू इंटू अल्फा अल्फा बीटा इज सी बाई ए. यस. ठीक है सो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. बी स्क्वायर माइनस टू ए सी बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए. एल सी एम होगा ए स्क्वायर. यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे आएगा वन. सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस टू ए सी माइनस टू ए सी बाय ए स्क्वायर. सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. टू माइनस टू ए सी माइनस टू ए सी इज माइनस फोर ए सी बाय ए स्क्वायर. इसको मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है सो दीज आर द फर्स्ट थ्री सॉल्यूशंस. ये फोर्थ वाला तुम्हें करना है, वन बाय अल्फा क्यूब प्लस वन बाय बीटा क्यूब. ये तुम्हें सॉल्व करना है. सो आई हैव गिवन यू सम हिंट्स, आई हैव गिवन यू सम आइडिया कि कैसे इसको सॉल्व करना है. तो मैं ये सारे टेक्निक्स और क्लास नाइन्थ में यूज़ की गई पॉलिनोमियल्स की जो आइडेंटिटी है उसको यूज़ करके उसका हेल्प लेके you have to solve this fourth one. Okay, I hope everyone has noted it down. Sure. So fourth one is your homework. 1 by alpha cube plus 1 by beta cube. I will send you the solution so you don't have to worry. Next question.
वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस पी हैज जीरोज हुज डिफरेंस इज फोर. मतलब मुझे पी की वैल्यू ढूंढनी है इसमें. पी ऑफ एक्स दिया है मुझे, देखो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस पी. कैन एनी वन टेल मी वॉट इज ए ओवर हियर? ए क्या है? बी एंड सी. सी इज पी. सी इज पी. ओके, अब इसमें सिंपली वॉट इज अल्फा प्लस बीटा? टेल मी. माइनस बी बाय दैट इज माइनस एट बाय वन विच इज माइनस एट. अल्फा प्लस बीटा मिल गया. वॉट इज अल्फा बीटा? सी बाय ए. टेल मी वॉट इज इट? पी बाय वन विच इज पी. एंड जीरोज हुज डिफरेंस इज फोर, मतलब जीरो का डिफरेंस दिया है, मतलब अल्फा माइनस बीटा दिया है. कितना है अल्फा माइनस बीटा? -4 जस्ट 4 जस्ट 4. अल्फा माइनस बीटा इज 4. जीरोज हुज डिफरेंस इज 4. एंड व्हाट डू आई हैव टू फाइंड? पी. तो एक मैं तुम्हें एक फार्मूला बताता हूँ. तुमने श्योर ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है? फार्मूला ये है. किसी ने फॉर्मूला देखा है 9th में? अगर कोई बोलता है मैंने नहीं देखा है, इट इज रियली अनफॉर्चुनेट. इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि तुमने ये नहीं देखा है. वीडियो में बताया था. थैंक यू सो मच मैम, तुम्हें याद है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर कोई बोलता है सर मैं बिलीव नहीं करता ऐसा कोई फॉर्मूला था, मैं तुम्हें प्रूव करके दिखा सकता हूँ. ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्वायर आता है. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट हो जाता है, टू ए बी प्लस टू ए बी क्या बचता है? फोर ए बी. मतलब ये तो प्रूव हो गया, मतलब ये ट्रू है. तो ये सेम फॉर्मूला मैं अल्फा और बीटा पे भी तो अप्लाई कर सकता हूँ. कैसे? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अल्फा बीटा. डू आई नो अल्फा प्लस बीटा? यस, इट इज माइनस एट का स्क्वायर. डू आई नो अल्फा माइनस बीटा? यस, इट इज फोर स्क्वायर. Do I know 4 alpha beta? Yes, it is 4 times p because alpha beta is p. बस इसको सॉल्व करके p मिल जाएगा. So minus 8 का स्क्वायर है 64 minus 16 is equal to 4p. 64 minus 16 is 48. 4p. 48 by 4 is equal to p. So p is equal to 12. P is equal to 12. हो गया, P मिल गया. Please note it down. लिख लो इसको अच्छे से. It was a very good question actually. And the use of this identity. प्रिंस प्लीज म्यूट योर सेल्फ. प्रिंस प्रिंस प्लीज म्यूट योर सेल्फ. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. होता है कभी कभी. ठीक है, चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. ऐसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. जब तुम्हें अल्फा और बीटा दिया है और तुम्हें बोला है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैमिली का इक्वेशन बनाओ,
मैंने शुरुआत में बताया था अभी, ठीक है. लेट्स सी, राइट द फैमिली. ओ माय गॉड, जस्ट अ मोमेंट, मेरा फोन गिर रहा है बार बार. नाउ इट्स ओके. राइट द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग -3/2 एंड 1/3 एज इट्स जीरोज. मतलब क्या दिया है, ये जीरोज है हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैमिली के, जीरोज है. सो अल्फा इज -3/2 एंड बीटा इज 1/2. आई हैव टू फॉर्म और राइट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है. सो कैसे लिखूंगा मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, रिमेंबर मैंने बताया था के ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. यहां पे इफ यू सी, इफ यू नोट, यहां पे सम ऑफ द जीरोज है और यहां पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है. अगर तुम्हें ये जीरोज नहीं भी दिए और सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया है, तभी भी तुम तुम्हारा फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन बना सकते हो, ठीक है. सो टू राइट देन वी कैन कट इट बाय द Actually, see, the value of k, you don't have to substitute anything in place of k. You have to keep it as it is. I'll tell you why. K can be any non-zero integer. Okay? It can be any non-zero rational number. Or it can be a real number also. ठीक है? Suppose k की value है 1, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5. तुम k की value कोई भी यहाँ पे डाल दो, तो you will get new equations. You don't have to put any value of k. You can just keep k as it is, k as k. K can be any real number, non-zero real number, remember. So k को k छोड़ दो और यहाँ पे x square minus alpha plus beta. Alpha plus beta is -3/2 plus 1/2 times x plus alpha beta. That is -3/2 times 1/2. ऐसे करके लिख दो, ठीक है. So f of x is equal to k times एक्स स्क्वेयर माइनस, ये हो जाएगा -2/2 टाइम्स एक्स प्लस ये हो जाएगा -3/4. सॉरी सर, इट इज 1/3. या सर, इट्स 1/3. ओह ओह, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई एम सॉरी फॉर दिस. ठीक है, हो जाती है गलती. 1/3, 1/3, 1/3, 2 3s are 3, 2s are, ये हो जाएगा -9+2, -9+2 is -7/6, ठीक है. और यहाँ पे हो जाएगा 3 -1, -1/2, ठीक है. चलो, सो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होके ये हो जाएगा 7x/6 -1/2. इसको एज इट इज छोड़ दो, नो नीड टू टेक के एज एनी नंबर. के कैन बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर एंड दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग द जीरोस -3/2 एंड 1/3. सो सर, वी हैव टू एट द लास्ट लीव इट लाइक दैट ओनली. यस, यू हैव टू लीव इट लाइक दिस ओनली. ठीक है, इसका सोल्यूशन यहां पे दिया है तुमको. ओके, नॉट नेसेसरी, एब्सोल्युटली. ओके, नाउ लिसन गाइस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पॉलिनोमियल्स इज ओवर. दिस हैज गॉट, दिस चैप्टर हैज गॉट जस्ट 3 पार्ट्स, ठीक है. एक क्वाड्रेटिक का, एक क्यूबिक का और एक लॉन्ग डिवीजन वाला है. पहला पार्ट तो खत्म हो गया.
ये और दो लेक्चर में ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा. नाउ लिसन टू सम इंस्ट्रक्शंस.